55 से लेकर 55 तक हर उम्र के लिए रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा कृष्ण सुपर मार्केटिंग बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स दमोई, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा एंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोही। बेल्डवर्स न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर। दमोह जिले में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश में कोतवाली TI विजय राजपूत के निर्देश में लगातार वाहन चेकिंग अभियान लगाए जा रहे हैं। लगातार अपराधियों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। जिले में लगातार अपराधियों के पास से हथियार बरामद किए जा रहे हैं। ऐसा ही कल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें युवक तलवार व बका लिए डंडों से शहर के परमी चौराहे समीप घूम रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, जिसके बाद वायरल वीडियो की जांच करने के बाद कोतवाली पुलिस के द्वारा देर रात 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक तलवार और एक बका बरामद भी किया गया है। उन पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद अपराधों को रोकने के लिए लगातार कोतवाली पुलिस जुटी हुई है। पिछले कुछ समय से लगातार कोतवाली पुलिस को इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो रही है, जहां इसके पूर्व लगातार पिस्टल, बंदूकें आदि कोतवाली पुलिस के द्वारा अपराधियों के पास से जब्त की गई, अपराधों को रोकने का कार्य किया गया। वहीं कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा था, जिसमें युवक तलवार बका डंडे लिए खुलेआम चुनौतियां दे रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, जिसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद कोतवाली पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर 2 युवकों के पास से हथियार, वायरल वीडियो के आधार पर वायरल वीडियो की जांच करने के बाद उनसे तलवार व बका जब्त किए व 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर कार्रवाई जारी है।